ग्रस्त लोगों के लिए रामकृष्ण ने बड़ा सुंदर नियम दिया है, एक काम करता है ये नियम। उन्होंने नियम दिया कि हर ग्रस्त को दिन में कुछ घंटे अपने लिए निकालने चाहिए ध्यान के लिए, एकदम डिसिप्लिन होके। और उन्होंने कहा कि हर ग्रस्त को हर महीने कुछ दिन अपने लिए निकालने चाहिए अपने ध्यान के लिए, वो 3 हों, वो 5 हों, वो 7 हों, जैसी सुविधा। क्योंकि तुम ग्रस्त हो और तुम्हारा एक समाज चल रहा है, एक संसार चल रहा है, ये 2 नियम तुम्हें फॉलो करने होंगे, करोना हो या ना हो। एक करोना ध्यान तो नहीं रोक सकता आपका, ना तोड़ सकता, वो तो दिखता भी नहीं, बेचारा सा है वो, तो इसके लिए उस पर तो नाम नहीं लगा सकते। हाँ, जिस स्पेस में आप आके ध्यान करते थे अगर वो सुविधा नहीं है, तो वो सुविधा आपके ध्यान को कैसे रोक रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि आप यहाँ आके माँ के साथ ध्यान करते थे, मित्रों के साथ, अभी वो सुविधा नहीं है कोरोना के रहते, तो इससे आपका ध्यान हिल रहा है, ये मैं समझ नहीं पाया। हम घर पे टाइम नहीं, मतलब इतनी जितने समय आप बाहर आते थे यहाँ पे, उतना समय तो आप तालाब के किनारे जाके भी बैठ सकते हो। हाँ, मैं कोशिश या किसी और जगह। आपका नाम, सॉरी, रीता। रीता, पॉइंट ये नहीं होता कि मैं एक स्थान पे ही ध्यान करूँ जाके, पॉइंट ये कि ये समय मेरा दिन के मानो 3 घंटे या 2 घंटे, ये समय मेरा जो मुझे अपने साथ अपने ध्यान पे बिताना है। अगर एक जगह की सुविधा नहीं तो किसी और जगह, किसी और जगह की सुविधा नहीं तो किसी और जगह, बट वो प्रक्रिया तो चालू रहेगी। ऐसा ओशो आश्रम में बहुत हुआ, जब ओशो शरीर में थे तो बहुत सारे मित्र जो आश्रम में रहते थे 2 साल 3 साल 5 साल से, अब किसी वश उनको जाना भी पड़ता वापस घर परिवार देखने। आश्रम में सारी ज़िंदगी तो रहा नहीं जाता, आश्रम तो जगह ही ऐसी जहाँ जाओ बैटरी चार्ज करो और फिर संसार में जाओ। मगर कुछ लोगों का मन होता था बैटरी चार्ज हो गई अब यहीं पड़े रहें, तो ओशो खुद उनको भगा देते थे कि बहुत हो गया, तुम्हारी बैटरी काफ़ी चार्ज है, जाओ अब यहाँ से, तुम्हारा समय आगे जाने का, मगर जाओ वापस अपने घर समाज में परिवार में और इस ध्यान को लेके जाना साथ में, इसको छोड़ मत देना। तो वही सूत्र आप पे भी लागू होता है कि आप इस आश्रम से जब घर जा रहे हो, व्यवस्था नहीं है कुछ समय के लिए, तो उससे ध्यान क्यों हिलेगा, या वो जो टाइम आप ध्यान को देते हो वो क्यों फ़र्क पड़ेगा, वो मैं समझ नहीं पा रहा क्यों फ़र्क पड़ेगा। ध्यान किसी किसी जगह पे डिपेंडेंट क्यों है, वो जगह ध्यान को चार्ज करे, मैं समझता हूँ इस बात को, बट अगर वो जगह किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो ध्यान तो फिर कहीं और भी तो किया जा सकता है, अपनी किचन में, अपने बाथरूम में।